हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन से। तो ये मैंने तुम लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दिया था। क्या क्वेश्चन था कि अ पॉलीनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 3, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास, उसमें बोला वैनिशेस। वैनिशेस का मैंने वर्ड बताया था, मतलब क्या होता है वैनिशेस, मतलब खत्म होना, मतलब जीरो होना। When x is equal to 1 and x is equal to minus 2. तो अभी आगे का मैं बाद में रीड करूंगा। What is the meaning of this? मैंने बोला पॉलीनोमियल ऑफ x इन x ऑफ डिग्री 3 वैनिशेस व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि उस क्यूबिक पॉलीनोमियल का रूट है 1 एंड माइनस 2। मैंने क्या बोला, जैसे मान लो मैंने लिखा क्वाड्रेटिक है, जैसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इज इक्वल टू 0 है। तो ये मैं क्या बोलूंगा इसको, दिस इज अ क्वाड्रेटिक व्हिच वैनिशेस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है, 2, 1 एंड 2 आर रूट, क्योंकि 1 और 2 रखने पे ये वैनिश हो रहा है, मतलब 0 हो रहा है, हैंस 1 एंड 2 आर द रूट। तो मैं इसको, जैसे मैंने बताया, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स 1 एंड 2 हैं, तो आई कैन राइट इट एज x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। समझ में आया? चलो अब क्या, हम एक स्टेप आगे जाना है। अब उसने इंस्टेड ऑफ 2 उसने डिग्री 3 दे रखी है, तो इधर हमारे 3 फैक्टर आएंगे, 3 लीनियर फैक्टर आएंगे। तो अब देखना मैं क्या लिखूं, जो मेरा पॉलीनोमियल है, लेट्स से दैट इज एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, उसके उसने दे रखा है कि एक रूट वन है एक रूट माइनस टू है, तो दो फैक्टर तो आएंगे, एक तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब तीसरा फैक्टर मुझे नहीं पता, और ऑफ कोर्स तीसरा फैक्टर क्या होगा, लीनियर होगा, क्योंकि ये इतना पार्ट क्वाड्रेटिक है। जब क्वाड्रेटिक को मैं एक लीनियर से मल्टीप्लाई करूंगा, देन व्हाट आई विल गेट, अ क्यूबिक इक्वेशन, क्लियर है। तो इधर मेरा एक लीनियर फैक्टर आएगा, लेट से ए एक्स प्लस बी। समझ में आया? इतना लिखने पे मैंने यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन यूटिलाइज कर चुकी जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इस क्यूबिक का रूट इज 1, सॉरी ये माइनस 2 रूट है, तो इधर प्लस 2 आएगा, ठीक है। फिर हमें ए और बी निकालना है, ए और बी निकालने के लिए इसने हमें और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। समझ में आया? अच्छा, जैसे बहुत से लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, और व्हाट दे कैन डू, दे कैन राइट इट लाइक दिस वे। जैसे मैंने एक जनरल क्वाड्रेटिक का, जैसे मैंने ऐसे लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैंने लिखा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सिमिलरली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस लेट से बी। इधर भी हमारे दो वेरिएबल होते हैं ए एंड बी, हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, वो तार दोनों से हमें आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले से कर रहा हूं, तुम लोग इसको कंप्लीट होने के बाद नीचे वाले से भी ट्राई करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है जिसके रूट माइनस सॉरी वन माइनस टू एंड माइनस बी है, या फिर इसको माइनस बी लिख लो, ज्यादा अच्छा है, जैसे लिखना है आंसर सेम आएगा। माइनस बी लिख लिया तो अब क्या हो जाएगा, बी इज द रूट। तो इस क्यूबिक के रूट्स क्या क्या है हमारे, वन माइनस टू एंड बी। सिमिलरली इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, वन माइनस टू, और मैंने चलो ए एक्स प्लस बी लिखा है, तो ये चीज जीरो कब होगी, माइनस बी बाय ए पे। तो इस क्यूबिक पॉलीनोमियल के रूट हो गए वन माइनस टू एंड माइनस बी बाय ए, इसके हो गए वन माइनस टू एंड बी, ठीक है। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूं, तो मैं इस क्वेश्चन को तो नहीं, इस पार्ट को रब कर देता हूं, इस वाले पार्ट को तुम लोग इसको कॉपी कर लो। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब मेरा टारगेट क्या है, ए और बी निकालना, तो मैं ए और बी निकालता हूं। देखना, मैं नीचे वाले को रब कर रहा हूं, मैं ऊपर वाले से ट्राई कर रहा हूं। मैंने बोला कि अब ये इंफॉर्मेशन कि इस पॉलीनोमियल का वैल्यू क्या है, 4 है एट x इज इक्वल टू माइनस 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4 कब, जब मैं x की जगह माइनस 1 रखूंगा, तो इसमें माइनस 1 रखते हैं, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 इज 1 इंटू माइनस माइनस 1 रखना है, तो ये कितना हो गया, b माइनस a। क्लियर है बच्चों, क्या रखा है मैंने, एफ एक्स की वैल्यू 4 है एट x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना। तो मेरा ये आ गया, इससे मेरी इक्वेशन क्या मिली, दिस इंप्लाइज बी माइनस ए इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय माइनस 2 इज माइनस 2। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन 1। अभी मुझे दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो एक और इन्फॉर्मेशन निकलेगी, और वो कैसे निकलेगी, उसने क्या रखा, एफ एक्स की वैल्यू 28 है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, तो 28 आएगा, एफ एक्स विल बी 28 कब, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2 रखो इसमें, तो 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 2 4, और इधर आएगा x के आगे 2 रखा, तो 2a प्लस b, क्लियर है। अच्छा अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये 4 और ये 7 टाइम्स गया, तो एक इक्वेशन मेरी क्या आ गई, 2a प्लस b बराबर 7, ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन 2। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन से a और b निकालना है, ठीक है। अच्छा, a और b निकालना है, वैसे मुझे कायदे से तो मेरा काम चल जाएगा केवल बी निकालने से, ऐसा क्यों, क्योंकि उसने क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इस चीज में मुझे एक्स की जगह 0 रखना है, तो मैं वो निकाल लेता हूं पहले कि जो मुझे निकालना क्या है,
इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी निकाल लेता हूँ। मैंने क्या किया उसमें क्या बोला, पॉलीनोमियल का वैल्यू निकालना x इक्वल टू 0 पे, तो इसमें x इक्वल टू 0 डाला तो ये कितना आएगा माइनस वन, इधर आएगा 2 और इधर आएगा 0, इधर रखेंगे तो केवल इधर b बचेगा। तो देख रहे मुझे f ऑफ 0 जो निकालना है उसमें केवल b आ रहा है, तो a की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, a की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें से a एलिमिनेट कर देता हूँ। तो कैसे एलिमिनेट करूँ, पहले मैंने क्या किया इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो देखो 2 माइनस 2 a प्लस 2 a कैंसिल हो जाएगा, इधर से आएगा 2 b प्लस b 3 b और इधर से आएगा हमारा देखो 2 इंटू माइनस 2 2 इंटू माइनस 4 और 7 माइनस 4 इज 3। तो b की वैल्यू कितनी आई मेरी 1, b की वैल्यू 1 आई तो मैंने इधर रख दी b की वैल्यू 1। तो इधर से मेरा f ऑफ 0 क्या आया, f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 2, दिस इज माय आंसर। मैंने a क्यों नहीं निकाला, जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हाँ अगर वो ऐसे बोलता फाइंड अ पॉलीनोमियल fx पूछता डायरेक्टली पूरा fx पूछता, तो फिर मुझे a और b दोनों निकालने पड़ते, फिर b उठा के मैं दोबारा इधर रख देता तो मेरा a कितना आता, a आ जाता मेरा, b इधर मैंने 1 रखा तो 6/2 3 a इज इक्वल टू 3 आ जाता, तो a आ गया b आ गया तो पूरा पॉलीनोमियल आ गया। बट उसने मुझे अभी पॉलीनोमियल की वैल्यू पूछी थी x इज इक्वल टू 0 व्हिच इज नथिंग बट -2। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे, तो वीडियो पॉज करो इसको अच्छे से कॉपी करो। और मैंने क्या बोला तुम लोगों को इस पॉलीनोमियल को अब तुम ऐसे मान के करो, कैसे देखो मैं इधर लिख रहा हूँ दोबारा एक बार, a टाइम्स x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस b, ठीक है। और फिर इसके रूट्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, 1 माइनस 2 एंड b, ठीक है। इधर भी हमारे दो वेरिएबल रहेंगे a और b, ठीक है। इससे तुम ट्राई करो, इसमें क्या करोगे पहले 4 रखोगे x की आगे और सॉरी माइनस 1 रखोगे इसमें x की आगे और y इधर आएगा हमारा 4, जैसे अभी किया वैसे एग्जैक्टली सेम, ठीक है ना। और तुम्हारा आंसर यही आना चाहिए, क्लियर है बच्चों। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, तुम लोग कॉपी कर लो। अच्छा एक इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन था, यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन मेंस। अब देखना एक नोट लिखवा रहा हूं मैं कि जैसे आगे चल के ना अभी उसके ऊपर क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, एक नोट लिख लो पहले। नोट क्या है कि अगर मान लो कोई मुझे क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन दे रखा है, मतलब इक्वेशन दे रखा है, मैं क्वाड्रेटिक नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो इफ अ इक्वेशन ऑफ टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a comma b comma c are constant is given, then we will analyze this equation by considering two cases. First one is a not equal to 0, that is as a quadratic. अभी explain करता हूँ मैं इसका। और second with a equals to 0, that is as a linear. इसका मतलब क्या है, ये सब हम आगे जाके questions करेंगे कुछ, ठीक है ना। उसमें क्या होगा कि हमें इतना बोला होगा कि एक इक्वेशन दी होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसने देखो क्या है कि इस इक्वेशन में उसने क्वाड्रेटिक वर्ड कहीं यूज नहीं किया। यहां से यहां तक तुम स्टेटमेंट देख लो, इसने क्या लिखा, इक्वेशन केवल लिखा है, इस वाले को इसने इक्वेशन बोला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हम इसका एनालिसिस करेंगे, जो भी इसके आगे पूछा है हमें, मतलब जो भी इससे रिलेटेड हमें डाटा पूछा है या कुछ भी सॉल्व करना है हमें इसको, तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। दो तरीके से मतलब हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसने केवल इक्वेशन बोला है, इसने क्वाड्रेटिक वर्ड यूज नहीं किया। तो क्वाड्रेटिक वर्ड यूज नहीं किया तो हम ऐसा नहीं कि इसको क्वाड्रेटिक की तरह एनालिसिस करेंगे, नहीं, हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे, a नॉट इक्वल टू 0 मतलब एज ए क्वाड्रेटिक और a इक्वल टू 0 मतलब a 0 हो गया तो क्या बचा, लीनियर, तो लीनियर के तरह इसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा कैसे बनेगा वो हम आगे चल के देखेंगे, अभी इसको समझ लो तुम, ठीक है। चलो अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पे, हम तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो, ऊपर वाले नोट को एक दो बार मन में रीड कर लो, ठीक है, इसको स्टेबलाइज हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। अब हम आते हैं नेक्स्ट नोट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला देखना, इट इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी और मैंने ऑलरेडी बताया है ये पॉइंट। वैसे तो देखना मैंने लिखा इफ द इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पर भी हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड फॉर
इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन टू वैल्यूज ऑफ एक्स देन दिस इक्वेशन विल बी एन आइडेंटिटी एंड विल बी सेटिस्फाइड फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स एंड इन दिस केस a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो। पहले कह रहा हूं एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, दिमाग को मैं बिठाओ स्टेटमेंट को, फिर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके एक दो बार रीड करो इसको। तो देखो इसने क्या बोला है कि हमें पता है कि अब जैसे हमने प्रूव भी किया था कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ दिस टाइप वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर एक क्वाड्रेटिक है तो उसके दो ही रूट होते हैं, इतना हमने पहले प्रूफ किया है। बट इसने क्या बोला, इससे कॉन्ट्रारी वर्ड यूज किया, उसने क्या बोला कि अगर मान लो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है फॉर मोर देन टू वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब 3, 4, 5, मतलब दो से ज्यादा इसके रूट्स हैं, मतलब इसके दो से ज्यादा रूट्स हैं, तो ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि फिर ये क्या होगा, एक आइडेंटिटी होगी, और आइडेंटिटी होगी तो ये इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, एक्स कुछ भी रखो इसमें ये हमेशा ट्रू होगा। और उस केस में ये बोल रहा है क्या होगा, ए बी सी जो तीनों कोएफिशिएंट है दे मस्ट बी जीरो। कैसे लिखना है, ऐसे लिख रहा है, ऐसे बेसिकली ये जो चीज लिखी होगी वो ऐसे लिखी होगी, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। नाउ यू कैन सी एक्स ये तुम कुछ भी रख लो, कोई भी वैल्यू, 1,00,000, 2,00,000, 2 करोड़, कुछ भी रखो, दिस विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड बिकॉज कोफिशिएंट से आगे जीरो लिखा है ना, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो और जीरो ये लिखा है, तो तीनों जीरो का एडिशन क्या होगा, जीरो। दैट मींस दिस इज सेटिस्फाइड बाय ऑल एक्स, इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम इसमें एक्स कोई भी रियल नंबर डालें, हमें सेटिस्फाई को दिख भी रहा है ना, जीरो 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 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो, समझ में आया इसका। अब हम एक एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका, ठीक है, याद रखना क्या बोला मैंने, एक बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसने बोला अगर उसके दो से ज्यादा रूट्स हैं, अगर दो से ज्यादा हैं, दो नहीं बोला मैंने, दो से ज्यादा रूट्स हैं, तो वो जो इक्वेशन है ना उसके इनफाइनाइट रूट्स होंगे, मतलब वो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स से सेटिस्फाइड होगा, और वो इक्वेशन, और उस केस में हमें क्या लिखना है, जो एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट पार्ट है उनके जो कोफिशियंट्स हैं एक्स स्क्वायर का और एक्स का और प्लस कॉन्स्टेंट पार्ट, दे ऑल मस्ट बी जीरो, तभी वो आइडेंटिटी है। ठीक है, चलो मैं ऊपर वाला अब रब कर देता हूँ इसको, और हम इसके बेसिस पे एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। जेई में ही पूछ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन आइडेंटिटी के ऊपर, कि एक क्वाड्रेटिक टाइप का था और उसके दो से ज्यादा रूट्स हैं, तो दैट मींस दिस इज एन आइडेंटिटी। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख लो, देखो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पी for which the equation, for which the equation, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इंटू एक्स प्लस पी माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो possesses more than two roots. More than 2 roots. ठीक है ना, सेम जो मैंने नोट लिखवाया उसी के आधार पर सेम क्वेश्चन। अगर वो नोट तुम्हें समझ में आया होगा तो पक्का तुम खुद से इसको कर सकते हो। तो ओके, बेटर क्या होगा, वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलो मैं इसका स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन। क्या बोला उसने कि अब ये दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप में दे रखा है इक्वेशन, और उसने बोल रखा है कि ये दो से ज्यादा रूट, दो एक्स की दो से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब क्या लिखा है, पोसेस मोर देन टू रूट्स ना,
रूट मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स की दो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है, दो से ज्यादा। तो मैंने क्या बोला था अभी नोट में, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसको दो से ज्यादा वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई कर रही है तो दैट विल बी एन आइडेंटिटी, और वो ट्रू होगा हर एक एक्स के लिए, दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल एक्स, एंड इन दैट केस जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशियंट ऑफ एक्स है एंड दैट कॉन्स्टेंट पार्ट, दे ऑल मस्ट बी जीरो, ठीक है ना। तो इसमें हमारा कॉन्स्टेंट पार्ट क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस थ्री पी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये वाला कॉन्स्टेंट पार्ट क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस फाइव पी प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, और इधर से आया पी माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो मुझे ऐसी पी की वैल्यू निकालनी है जिससे ये तीनों पार्ट जीरो हो जाए, ठीक है। तो मैं ये पहले ये देख लेता हूँ किस वैल्यू किसके लिए ट्रू हो रहा है, ये देख लेता हूँ किन पी की वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है, और ये देख लेता हूँ किस पी की वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है, अगर उनमें कोई कॉमन होगा तो फिर हमारा वो आंसर वो हो जाएगा। तो मैं निकालता हूँ, तो इसका रूट माय ऑब्जर्वेशन भी आ सकता है, अब तो हमने काफी प्रैक्टिस कर ली सम ऑफ रूट्स पे भी। तो सम ऑफ रूट इज थ्री, प्रोडक्ट इज टू, हैंस द रूट्स आर टू एंड वन, दिख रहा है क्लियरली, नहीं तो तुम फॉर्मूले से निकालो क्या, थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस एट बाय टू, तो तुम्हारे वन एंड टू आएंगे। सिमिलरली यार ऑल्सो सिंपली ऑब्जर्वेशन से रूट्स आ जाएंगे, क्या है रूट्स, सम ऑफ रूट इज फाइव, प्रोडक्ट इज फोर, तो प्रोडक्ट फोर है इसका मतलब फोर एंड वन, और सम क्या है फाइव आई रहा है, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, वन एंड फोर। अगेन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑल्सो इफ यू आर अनेबल टू फाइंड इट बाय ऑब्जर्वेशन। अब इसके रूट्स आते हैं, तो इसके रूट्स तो क्लियरली दिख रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी इंटू वन माइनस पी इक्वल्स टू जीरो। तो इससे पी की वैल्यू कितनी आई, अब देखो ये कब जीरो हो रहा है, एक तो जीरो पे और एक पी इक्वल टू वन रखने पे, तो इसके रूट्स क्या है हमारे, जीरो एंड वन। अब एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करके सोचो इसका आंसर क्या होगा, आंसर पूछा मैंने, पी की वैल्यू वगैरह नहीं पूछी, व्हाट इज द आंसर, उसने बोला नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पी, पहले वीडियो पॉज करके खुद से सोचो अभी। अब मैं बोलता हूं, मैंने बोला कि मेरे को पी की ऐसी वैल्यू चाहिए जब ये बाड़ा पार्ट भी जीरो, ये भी और ये तीनों साइमल्टेनियसली जीरो। तो यू कैन सी कि तीनों को जीरो किया तो हमें P की एक ही ऐसी वैल्यू मिल रही है, वन हियर ऑल्सो वन हियर ऑल्सो वन, वन इज द ओनली वैल्यू ऑफ P विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल दीज थ्री इक्वेशंस। मतलब P इज इक्वल टू वन रखने पे मेरा ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, हैज P इज इक्वल टू वन इज माई आंसर। बट आंसर क्या पूछा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ P, ऐसी कितनी P की वैल्यूज है, एक ही है वैल्यू, और P की वैल्यू भी वन है इस केस में। मैंने बोला नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पी कितने हैं, वन है, एंड वेयर पी इज इक्वल टू वन, नंबर ऑफ वैल्यूज पी है और पी की वैल्यू, वैल्यू ऑफ पी विल बी वन, वैल्यू ऑफ पी इज ऑल्सो वन, ठीक है, समझ में आया। तो याद रखना, देखो जल्दी जल्दी में क्या होता है, देखो इस केस में तो क्या हुआ हमारा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पी भी एक ही आई और पी की वैल्यू भी वन आई। बट जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं, जल्दी जनरल जल्दी जल्दी में गड़बड़, इधर ये भूलना पढ़ना भूल जाते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज वो क्या बोलते हैं, पी की वैल्यू पूछ ले, उनको लगता है पी की वैल्यू पूछिए। अगर मान लो किस्मत से, अगर मान लो अनलकीली, अगर मान लो टू इज टू अगर कॉमन होता रूट, तो हमारा आंसर क्या होता, वन होता, तब भी वन होता, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज तो एक ही आ रही ना, विच इज पी इज इक्वल टू टू। तो फिर बच्चे लोग वहां गड़बड़ कर देते, वो क्या बोलते पी की वैल्यू दे देते, बट उसने बोला नंबर ऑफ वैल्यूज, पी की ऐसी कितनी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। बट हमारे केस में अभी आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर इज वन, ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको रब कर देता हूं, इसी के बेसिस पे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखना एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। प्रूव दैट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू सी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू ए अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी इंटू बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। उसने बोला प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू एक्स, इक्विवेलेंट टू एक्स, मतलब ये पूरा सिंप्लीफाई होके एक्स आ जाएगा। तो वीडियो पॉज करो एक बार, खुद से ट्राई करो, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। सुनना, देखो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका क्या है, बिल्कुल बच्चों वाला मेथड, बट दैट विल बी वेरी लेंथी। क्या है वो मेथड, कि हम इसमें क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते जाते हैं, फाइनली रिड्यूस होके एक्स आ जाएगा।
तो प्रूफ हो जाएगा हमारा। क्या बोला मैंने कि हम क्या करें, जैसे तीन का टर्म, तीन टर्म से रखें, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्या करें तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आएगा, ये पार्ट इंटू, जैसे इधर सी, इधर ए माइनस सी, बी माइनस सी, ए माइनस बी की कमी है तो ऊपर ए माइनस बी मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें बी माइनस सी की कमी है तो इसमें बी माइनस सी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें सी माइनस ए की कमी है तो सी माइनस ए ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सोचो इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी दो टर्म दे रखें, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से चार टर्म आएंगे। फिर इसको मैं अगर मान लो सी माइनस ए माइनस बी से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो दो टर्म इंटू ये चार टर्म, आठ टर्म बनेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में आठ बनेंगे, फिर इसमें इसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में आठ, इसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में आठ, तो आठ प्लस आठ प्लस आठ चौबीस टर्म आएंगे न्यूमरेटर में। सोचो कितना लेंदी हो जाएगा, दैट इज नॉट फीजिबल। ऑल्दो अगर तुम्हें लगता है तो यू कैन ट्राई विद दैट मेथड ऑल्सो, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ इसका थोड़ा स्मार्ट तरीका, सुनना। स्मार्ट तरीका क्या है कि मैंने क्या बोला, अगर देखो मुझे ये चीज प्रूफ करनी है कि ये इसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो इसकी बजाय मैं इसको प्रूफ कर दूं, वन एंड द सेम थिंग, वन दिस इज इक्वल टू जीरो। ये प्रूफ करना इज इक्विवेलेंट टू जो मैंने इससे पहले लिखा था, बिकॉज मैं एक्स को इधर लेके आ गया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इस वाले को पूरे को एक एफ एक्स बोल दिया, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन। तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, मैं पूरा लिख रहा हूँ एस, इधर तुम लोग को लिखना है, इधर एफ एक्स इज इक्वल टू ये पार्ट, तो ये मत लिखना, ये हटा देना, ये मैं इधर ही चेंज कर रहा हूँ, ये एफ एक्स हो गया मेरा, ठीक है। मैंने बोला दिस इज लेट से एफ एक्स। अब सुनना, अब मजेदार चीज आएगी, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। क्या है कि तुम एक बार एफ ऑफ ए कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है, जस्ट कैलकुलेट, ट्राई टू कैलकुलेट एफ ऑफ ए, वीडियो पॉज करो और देखो क्या आ रहा है। मैं इसको बता रहा हूँ, देखना, जब मैं एक्स के आगे ए डालूंगा, एफ ऑफ ए मतलब क्या है, एफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ ए क्या होगा, एक्स के आगे मैं ए डालूंगा तो इधर क्या आएगा, ए माइनस ए, ये वाला पार्ट जीरो, इधर ए माइनस ए, ये वाला पार्ट जीरो, ठीक है ना। इधर क्या आएगा, देखो ए माइनस बी, ए माइनस सी, तो ए माइनस बी से ये ए माइनस बी कैंसिल, ए माइनस सी से ये ए माइनस सी कैंसिल, इधर बचा ए, और एक्स के आगे मैंने ए रखा था तो ये भी ए है, तो ए माइनस ए जीरो। क्लियर हुआ, क्या बोला मैंने, एक बार और, मैंने बोला एफ ऑफ ए निकालो तो क्या आ रहा है, एक्स के मैंने ए रखा इसमें तो ये एक्स वाई ए माइनस ए आया, तो न्यूमरेटर जीरो, ये पूरा खत्म। सिमिलरली इधर मैंने एक्स के ए रखा तो ये पूरा खत्म, इधर मैंने एक्स के ए रखा तो ए माइनस बी, ए माइनस सी वो नीचे वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा हमारा ए, और ए इधर क्या माइनस है क्योंकि एक्स के ए रखा है ना हमने, तो ए माइनस ए विल बी जीरो। तो इससे क्या पता चला, एफ ऑफ ए जीरो है, ठीक है ना। अच्छा मैंने बोला, फिर मैंने कहा सिमिलरली एफ ऑफ बी निकालो सेम तरीके से, तो एफ ऑफ बी निकालोगे तो इधर ये जीरो हो जाएगा बी माइनस बी, इधर मेरा बी माइनस बी ये जीरो हो जाएगा, तो इधर इधर बचेगा बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, वो बी माइनस ए, बी माइनस सी कैंसिल, इधर बी बचेगा माइनस बी क्योंकि एक्स के आगे हमने बी रखा है, तो अगेन दिस विल बी जीरो। सिमिलरली यू विल, इफ यू विल कैलकुलेट एफ ऑफ सी, दिस विल कम आउट टू बी जीरो, कोई चेंज नहीं, सिमेट्री से रख के देख लो। सी की जगह रखोगे तो इधर तुम्हारा ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, सी माइनस सी, इधर सी माइनस सी, ये वाला पार्ट जीरो, और इधर सी माइनस ए, सी माइनस बी, ये कैंसिल, इधर सी बचा और एक इधर माइनस सी क्योंकि एक्स की जगह सी रखा है। अच्छा तो हमारे ये तीन जीरो आ गए, अब सुनना दो मिनट के लिए। अच्छा अब तुम ध्यान से देखो, जो मेरा एफ एक्स है बेसिकली वो क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, इज इट क्वाड्रेटिक, मैं बोल रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। देखो कैसे, देखो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर पार्ट लिखा है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस, व्हेन यू विल ओपन दिस, दिस इसमें क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम समथिंग प्लस कॉन्स्टेंट पार्ट, और डिनोमिनेटर कॉन्स्टेंट है तीनों, ध्यान से देखो तीनों, जो तीनों पार्ट लिखे हैं इनमें डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर सिंपली है कॉन्स्टेंट क्योंकि ए माइनस बी, बी माइनस सी ये कॉन्स्टेंट होंगे। तो व्हेन यू विल टेक एलसीएम, व्हेन यू विल टेक एलसीएम तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा और उसका कुछ कॉन्स्टेंट पार्ट आएगा, प्लस एक्स आएगा प्लस उसका कुछ कॉन्स्टेंट पार्ट आएगा प्लस सम कॉन्स्टेंट पार्ट आएगा। तो मैंने बोला कि जो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा और इसका कुछ कॉन्स्टेंट पार्ट आएगा, विच इज विच विल बी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी वगैरह के टर्म्स में आएगा। तो लेट से मैंने उसको ऐसे मान लिया कैपिटल ए, सिमिलरली आई विल गेट एक्स का कोफिशियंट उसको मैंने मान लिया बी और कॉन्स्टेंट पार्ट को कैपिटल सी। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पार्ट भी, बहुत बहुत मेन ऑब्जर्वेशन है कि ये एक्चुअली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना, ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिनोमिनेटर में सब कॉन्स्टेंट है, ऊपर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक लिखे हैं। तो व्हेन यू विल टेक एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लेने पे ये कॉन्स्टेंट इससे मल्टीप्लाई होता है, तो कॉन्स्टेंट अगर क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्वाड्रेटिक विल रिमेन द क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा ये क्वाड्रेटिक है। अब इन दोनों को क्लब करते हैं और वो नोट पे आते हैं,
क्या था हमारा नोट कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के दो से ज्यादा रूट्स हो तो वो आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी होती है इसका मतलब दैट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स के तुम कुछ भी रखो दैट विल बी ट्रू, ठीक है ना। अब सुनना, एफ ऑफ ए जीरो है, इसका मतलब क्या है, ए पे फंक्शन की वैल्यू जो एक्सप्रेशन है दिस इज जीरो, इसका मतलब ए क्या है, इसका रूट है। तो इसका एक रूट क्या हो गया ए, सिमिलरली दूसरा रूट बी, तीसरा रूट सी, तो दो से ज्यादा रूट्स हो गए बिकॉज ए बी सी तीन वैल्यूज पे ये चीज ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है। अब क्या बोलते हैं हम, क्या कमेंट करते हैं कि अगर ये इसके दो से ज्यादा रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक के तब क्या होगा, वो आइडेंटिटी होगी एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। तो मैं क्या लिख रहा हूं, अब मैं लिख सकता हूं कि एफ एक्स विल बी जीरो फॉर ऑल एक्स। तो क्या हो गया मेरा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो हमेशा फॉर ऑल एक्स। अगर ये इसके जीरो के बराबर है हमने उसको एक्स को साइड लेके गया, दिस इज इक्वल टू एक्स, तो प्रूफ हो गया। समझ में आया, तो इसको लिख लो एज, अच्छा रहेगा एज एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड फॉर मोर देन टू वैल्यूज ऑफ एक्स दैट इज x is equal to a comma b comma c, hence this will be, hence this will be an identity, this will be an identity and will be satisfied for all x belongs to real number and will be satisfied for all x belongs to real number। तो मैंने क्या बोला, ये जो मेरा एफ एक्स है माइनस एक्स करके लिखा था, ऐसे लिखा था दिस इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो है तो मैं एक्स को उधर लेके गया, दिस इज इक्वल टू जीरो, सॉरी दिस इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स। तो वही तो मुझे प्रूव करना था कि ये एक्स के बराबर है। क्लियर है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट नोट, ठीक है ना। अगर अभी भी नहीं आता है तो फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है ना, कैरी नहीं करना है डाउट्स, ठीक है, उसी के दिन तुम्हें क्लियर करना है डाउट, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, अब हम नया पॉइंट देखते हैं कुछ। हाँ, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट नोट। नेक्स्ट नोट क्या है, देखो पहले लिख लेते हैं उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इफ इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, then any polynomial polynomial of any degree in alpha can be reduced या expressed can be reduced into linear expression of alpha। बहुत important point है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। इसका मतलब क्या है, उसने बोला है कि अगर अल्फा किसी क्वाड्रेटिक का रूट है तब मुझे, अगर रूट है वो तो कंडीशन दे रखी, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है कि अल्फा का कितना भी डिग्री पॉलिनोमियल हो, लेट्स से क्यूबिक हो, 4 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, उन सभी अल्फा के पॉलिनोमियल्स को मैं लीनियर फैक्टर में लिख सकता हूं, मतलब इन लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा, मतलब ए अल्फा प्लस बी टाइम लिख सकता हूं, ठीक है। कैसे, देखो इसको समझते हम क्या है कि, देखो समझने के लिए पहले मैंने, हम बचपन में पढ़ते हैं, जैसे 8 को मैंने अगर डिवाइड किया, लेट्स से मैंने चलो 2 से तो पूरा परफेक्ट जा रहा है, 3 से डिवाइड किया तो कितना कोशेंट आता है, 2, 3, 2 6 लिखते हैं, फिर हमारे टू आता है रिमाइंडर, तो दिस इज रिमाइंडर। ध्यान से सुनना, दिस इज माय कोशेंट कोशेंट एंड दिस इज माय डिवाइजर, और इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है ना, लिख लो भले डिविडेंड। तो अब सुनना, मैं क्या, जो हमारा डिविडेंड होता है डिविडेंड वो कितना होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट, 3 × 2 3 × 2 + 2, 3 क्या है हमारा डिवाइजर, 2 क्या है हमारा कोशेंट, और ये क्या है हमारा रिमाइंडर। अब ये चीज हम यूज करने वाले हैं इसके लिए,
कैसे करेंगे देखना आप ध्यान से। क्या बोला उसने कि मैं एक जनरल क्वाड्रेटिक ले लेता हूँ। मैंने क्या लिखा, क्वाड्रेटिक ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और मैंने मान लिया इसका रूट एक अल्फा है। अच्छा, अब हमने पढ़ा था अभी अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब अल्फा एक्स के लिए हम अल्फा रख सकते हैं इसमें, तो जीरो हो जाएगा। तो इस अल्फा अगर इसका रूट है, दिस इंप्लाइज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन वन हो गई, ठीक है ना। ये हमेशा ट्रू है, क्यों? क्योंकि अल्फा इसका रूट था। अब सुनना, अब मान लो तो मैं एक मिनट के लिए इसको रब कर देता हूँ थोड़ा साइड को, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, थोड़ी जगह हो जाएगी, जस्ट कॉपी दिस पार्ट, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैंने जो नोट लिखवाया उसमें क्या लिखा है कि x अल्फा का कोई भी डिग्री का पॉलिनॉमियल हो, तो लेट्स से मैंने ऐसे लिखा अल्फा की पावर 7 प्लस 6 अल्फा की पावर 5 प्लस 4 अल्फा क्यूब प्लस 5 अल्फा प्लस 11, ऐसा कुछ तो है। What I am saying, what according to this note, कि ये अल्फा का 7 डिग्री पॉलिनॉमियल है, because highest power of alpha is 7. ये इसको I can say it is a alpha plus b. बस a और b निकालना पड़ेगा हमें। मैंने बोला कितना भी डिग्री पॉलिनॉमियल अल्फा का, अगर अल्फा किसी क्वाड्रेटिक का रूट है तो उसको हम लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा में लिख सकते हैं। ऐसे लिख लो, दिस इज 7 डिग्री पॉलिनॉमियल, 7 डिग्री पॉलिनॉमियल इन अल्फा, and this is linear expression of alpha, linear expression of alpha। कैसे? आप सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, क्या किया मैंने, इसको मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, ठीक है। मैं इतने नीचे पार्ट को रब कर रहा हूं, ये लिखना जरूर है, 7 डिग्री पॉलिनॉमियल इन अल्फा। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया देखना, इसको मैंने डिवाइड किया, ये इसको मैं डबी कर देता हूं, इसको मैंने डिवाइड किया इस पार्ट से, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ठीक है। अच्छा, अब बचपन में पढ़ते हैं अभी वाला मेथड भी, जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे मेरे को इसी को करना है तो मैं क्या करूंगा, अल्फा की पावर 7 बनाना है मुझे, तो इधर किससे मल्टीप्लाई करूं, ए अल्फा की पावर 5 से, ए अल्फा की पावर 5 से, तो क्या जाएगा, ए अल्फा की पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक तो आएगा ए, सॉरी 1 बाय अल्फा की पावर 5 डिवाइड बाय ए से, क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की पावर 7 आएगा, इधर 7 है तो अल्फा की पावर 7 आया प्लस समथिंग कुछ आएगा, फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी प्रॉपर एक एग्जांपल लूंगा मैथमेटिकल, जब ए और बी नहीं होगी, मेरे प्रॉपर एग्जांपल होगा तब मैं पूरा सॉल्व करूंगा, अभी मैं बता रहा हूं ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाट प्रूफ बता रहा हूं एक्चुअली। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इधर ये फिर 5 या 6, इधर हमारा रिड्यूस पॉलिनॉमियल आएगा, ये तो 7 डिग्री था, इधर हमारा लेट्स से 6 या 5 डिग्री आएगा, फिर दोबारा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जब तक करते जाऊंगा, अगर मान लो इधर जैसे हमारा कुछ तो क्वाड्रेटिक आ गया, लेट्स से x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 टाइप, रिड्यूस करते करते, तो फिर दोबारा ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो प्लस a टाइम्स चला जाएगा, प्लस a टाइम्स, तो इधर आएगा a, सॉरी ये x क्या है, अल्फा है, तो a अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 2 आया मान लो, रिड्यूस करते करते, तो मैंने सब्ट्रैक्ट आखिरी बार क्या बचेगा हमारा, 2 अल्फा प्लस 1। तो हम कब तक रिड्यूस करते जाएंगे, जब तक ये क्वाड्रेटिक से कम नहीं हो जाता, क्योंकि क्वाड्रेटिक रहेगा तो हम किसी का मल्टीपल होगा, ये उससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब ये लीनियर हो गया, इसके बाद आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हम। अब सुनना, अभी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब क्या बता रहा हूं मैं, लेट्स से मेरा इधर आया, मैंने इधर हाइपोथेटिकल लिख रहा हूं मैं, पी अल्फा की पावर 5 प्लस क्यू अल्फा की पावर 4 प्लस 6, ऐसा कुछ तो आया मान लिया एक मिनट के लिए, मैंने रिमाइंडर मेरा ये आया। अब सुनना, अभी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरा क्या है, 7 डिग्री पॉलिनॉमियल इन अल्फा, तो मैं इसको तो ऐसे लिख रहा हूं एक्सप्रेशन, ये उसकी जगह मैं पूरा ना लिख के इसको एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, इज इक्वल टू, अब देखो ये हमारा क्या होता था, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, इधर क्या मेरा आएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इंटू पी अल्फा की पावर 5 प्लस क्यू अल्फा की पावर 4 प्लस 6, ये तो हो गया ना डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, विच इज हियर इट इज 2 अल्फा प्लस 1। अब मैं कौन सा फैक्टर अगेन यूज करूंगा, ये पार्ट 0 है, क्यों, क्योंकि अल्फा इसका रूट था, अब ये पार्ट 0 है तो ये 0 हो गया, तो 0 इंटू दिस विल बी 0 प्लस ये कितना हो गया 2 अल्फा प्लस 1, तो क्या हो गया, जो हमारा एक्सप्रेशन था 7 डिग्री पॉलिनॉमियल इन अल्फा, वो हमारा लीनियर इन अल्फा कन्वर्ट हो गया, एंड प्रूफ्ड। समझ में आया क्या हुआ हमारा,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो और मैं इलस्ट्रेशन ले लेता हूँ प्रॉपर एक मैथमेटिकल, सो दैट और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, और उसको भी हम और भी मल्टीपल अप्रोचेस से बताऊंगा मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, मैं इसको रब कर देता हूँ। सुनना, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो लेट, और बेटर होगा पहले खुद से ट्राई करना, लेट अल्फा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, देन एक्सप्रेस अल्फा की पावर फोर प्लस फाइव अल्फा क्यूब प्लस सेवन अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9 एज अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा, एज अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा, एज अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा, ठीक है। पॉज द वीडियो और खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है, और मैं अब इसको सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो जैसा कि अभी मैंने बोला था कि अल्फा इसका रूट है क्वाड्रेटिक का, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री अल्फा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये मेरी इक्वेशन वन हुई। अब मैं इसका आगे चल के यूज करूंगा। अब क्या बोला मैंने कि जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको मैं क्या मानता हूं, डिविडेंड, तो उसको तो मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिखा, देखना अल्फा की पावर फोर प्लस 5 अल्फा क्यू प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9, और इसको डिवाइड किया इससे मैंने, किससे, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 से, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब हम जो हर बार करते हैं, क्या किया इसको, अब मेरे को अल्फा की पावर 4 बनाना है, इधर अल्फा स्क्वायर है, तो क्या किया, अल्फा स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो अल्फा स्क्वायर इंटू ये क्या आएगा, अल्फा की पावर 4, अल्फा स्क्वायर इंटू 3 अल्फा क्यूब प्लस 5 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा स्क्वायर। आप सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि मुझे अल्फा की पावर हटाना है, ये माइनस 5 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा क्यूब 2 अल्फा क्यूब, और 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, और ये एज इट इज उतर जाएगा 8 अल्फा माइनस 9। अब क्या करें, 2 अल्फा क्यूब चाहिए, इधर अल्फा स्क्वायर है तो किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 2 अल्फा, तो 2 अल्फा क्यूब आ जाएगा प्लस 2 अल्फा इंटू 6 3 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर तो 6 अल्फा स्क्वायर, 5 इंटू 2 अल्फा 10 अल्फा तो 10 अल्फा, ये आ गया, सब्ट्रैक्ट किया माइनस 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 तो 2 अल्फा, ये तो कैंसिल हो गया, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, 8 अल्फा माइनस 10 अल्फा माइनस 2 अल्फा, और एक माइनस 9 ऑलरेडी है। कब तक रिड्यूस होता जा रहा है देखना, देखना तुम ध्यान देना, अभी क्वाड्रेटिक बन गया, अभी एक और बार और चला जाएगा, किससे, ये अल्फा स्क्वायर है मुझे माइनस 4 अल्फा स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, देखना ध्यान से, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 अल्फा माइनस 12 अल्फा, 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20, अब सब्ट्रैक्ट करते तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये कैंसिल हुआ, 12 अल्फा माइनस 2 अल्फा 10 अल्फा, और 20 माइनस 9 प्लस 11, तो बस अब इसके बाद मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ये लीनियर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो अब फाइनली मैं फाइनल स्टेप लेकर मैं ऊपर का क्वेश्चन रब कर देता हूं, देखना तो ये तो मेरा आंसर हो गया, लेकिन क्यों हुआ इसका एक्सप्लेनेशन एक बार और देख लेते हैं हम, तो हमारा रिवाइज हो जाएगा, क्या है कि देखो अल्फा की पावर 4 प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9, दिस इज माई एक्सप्रेशन, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन डिवाइजर इन टू क्वेश्चन, तो इधर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इन टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 प्लस रिमाइंडर, तो प्लस 10 अल्फा प्लस 11। अच्छा देखो, अगर तुम्हें डाउट आ रहा है ना कि ये बराबर क्यों है, तो इस ब्रैकेट को ओपन करके भी देख लो, व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट एंड यू विल ऐड दिस थिंग यू विल गेट दिस 100%, क्योंकि उसी से तो आया हमारा उल्टा प्रोसीजर। अब मैं क्या करूँ, एक बार तुम वेरीफाई करना, अगर मान लो तुम्हारा जो आंसर है वो करेक्ट आ रहा है या नहीं, तो जस्ट ओपन दीज टू ब्रैकेट्स,
देन यू विल सी कि LHS और RHS एकदम सेम आ रहा है. मतलब इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं किसी भी वक्त, बोथ आर इक्विवेलेंट. ऐसे बोल सकते हो दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा. बेसिकली यही चीज इधर लिखी है, बस डिफरेंट फॉर्मेट में लिखी है. क्लियर है? अब मैं क्या यूज करूंगा, ये पार्ट जीरो है तो ये जीरो हो गया, तो जीरो इंटू दिस विल बी जीरो प्लस, और ये मेरा टेन अल्फा प्लस 11 लिखा है, तो ये मेरा 4 डिग्री पॉलिनोमियल था अल्फा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा. तो एग्जाम में क्या पूछेगा वो, ऑब्जेक्ट में कैसे बनेगा, बोलेगा दिस इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी. मान लो इसी एग्जाम्पल में मैंने बोला दिस इज ए अल्फा प्लस बी, फाइंड ए एंड बी. तो ए क्या हो जाएगा, ए अकॉर्डिंग टू दिस आंसर ए इज 10, बी इज 11. क्लियर है बच्चों, समझ में आया होगा? ठीक है, नहीं आता है तो एक बार और रिमाइंड करके वीडियो रिमाइंड करके देखो, और फिर भी नहीं आता है तो फिर मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. ठीक है, अब मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता रहा हूँ. ठीक है, तो मैं रब कर देता हूँ थोड़ा पार्ट इसका, तुम लोग इसको कॉपी कर लो. मैंने क्या, चलो मैं इतना एक्सप्रेशन रखता हूँ अपने पास. देखो जैसे अभी जो मैंने किया ना ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड, थोड़ा स्मार्टली भी अगर हम प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ऐसे भी कर सकते हैं. देखो अभी ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो कुछ अलग नहीं है, यही बस थोड़ा सा लॉजिकल है. देखना थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन अगर तुम्हारा फास्ट कर पाते हो तो तुम उससे जल्दी आंसर ले आओगे. कैसे, ये अल्फा की पावर 4 प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला दिस इंटू क्वोशेंट आएगा, तो ये तो हुआ मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5. ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस एक ब्रैकेट. अब ये ब्रैकेट क्या है उसका मतलब बताता हूं. देखो मैंने बोला कि ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट होगा. अब सुन, और ये मेरा लीनियर है, इस ब्रैकेट में मैं लीनियर लिखने वाला हूं, ये मेरा क्वाड्रेटिक है ही. अच्छा ओवरऑल मुझे 4 डिग्री पॉलिनोमियल चाहिए, तो क्वाड्रेटिक किससे मल्टीप्लाई होगी, क्वाड्रेटिक 4 डिग्री आ जाए, ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक से. तो इधर मेरा क्वाड्रेटिक आएगा पहली बात तो, क्लियर है ये. अच्छा इधर मेरा क्वाड्रेटिक अभी तक डिसाइड हो गया कि ये मेरा क्वाड्रेटिक आएगा तभी ये 4 डिग्री बनेगा, क्योंकि इसमें तो 4 डिग्री टर्म है नहीं, ये तो कोई कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं 4 डिग्री के लिए, इसकी मदद से आ सकता है. वो कब होगा, जब इधर अल्फा स्क्वायर होगा, क्वाड्रेटिक होगा. अच्छा अब हम देखते हैं, अब मैंने बोला कि अब ये एक आइडेंटिटी लिखा है, मतलब ये और ये एक्चुअली सेम आने वाले एक्सप्रेशन. तो इधर अल्फा की पावर 4 आ रहा है, तो खुद सोचो इधर अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए. क्योंकि देखो व्हेन आई देखो मैंने पहले लिखा इसको ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, एक मिनट के लिए ऐसे लिखा. ठीक है, अब मैंने बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा की पावर 4 कैसे जनरेट होगा. ओनली एक ही तरीका है, जब इसका अल्फा स्क्वायर इसके अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तभी अल्फा की पावर 4 बनेगा. तो और मुझे चाहिए कि अल्फा की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, इसका ऑलरेडी 1 है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो कि 1 आ जाए, ऑफ कोर्स 1 से. तो इधर हमारा x अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1. वेरीफाई अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, इधर अल्फा की पावर 4 आ रहा है. क्लियर हुआ? तो मेरा ये डिसाइड हो गया कि अब अभी इधर ऐसा आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस समथिंग. अब आते हैं हम x वाले पार्ट पे देखना. एक्स वाले पार्ट के लिए अब क्या किया, जैसे मैंने अल्फा की पावर 4 वाला फैक्ट यूज कर लिया, अब मैं अल्फा क्यूब का यूज करता हूं. इधर अल्फा क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 5. अब आते हैं हम इधर, आप सुनना बहुत इंपॉर्टेंट कि क्यूबिक टर्म अल्फा क्यूब कैसे जनरेट होगा. सुनना ध्यान से, अल्फा क्यूब कैसे जनरेट होगा. देखो कॉन्स्टेंट पार्ट से मल्टीप्लाई करके तो नहीं होगा, बिकॉज कॉन्स्टेंट पार्ट से मैक्सिमम अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट आ सकता है, अल्फा क्यूब नहीं आएगा. अल्फा क्यूब कब आएगा, जब इसका अल्फा स्क्वायर इसके कॉन्स्टेंट पार्ट इसके अल्फा के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो, प्लस इसका अल्फा स्क्वायर इसके अल्फा से मल्टीप्लाई हो. दोबारा एक बार, अल्फा क्यूब कैसे जनरेट होगा, जब इसका अल्फा स्क्वायर इसके अल्फा से मल्टीप्लाई हो, प्लस इस ब्रैकेट का अल्फा स्क्वायर इसके अल्फा से मल्टीप्लाई हो, तब मेरा 5 आना चाहिए. तो मेरा क्या आया, 5 इज इक्वल टू इधर अल्फा का स्क्वायर क्या है, 1 इंटू इधर अल्फा का कोफिशिएंट नहीं पता तो मैंने मान लिया लेट से अल्फा ऑलरेडी है, अल्फा यूज कर लिया, के मान लिया, प्लस इधर अल्फा का कोफिशिएंट 3, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इधर इसके अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो इधर क्या 1, तो 3 इंटू 1, तो इधर से के की वैल्यू कितनी आई, 2, तो इसका मतलब इधर हमारा 2 अल्फा होगा, दैट यू कैन सी आ रहा है हमारा. ठीक है, तो इसके आगे तुम लोग कर लो, कॉन्स्टेंट पार्ट तुम वेरीफाई करो खुद से. क्या करोगे, इसका कॉन्स्टेंट पार्ट कैसे जज करेंगे हम,
अब हमने अल्फा क्यूब, अल्फा पार 4 यूज कर चुका, अल्फा क्यूब यूज कर चुका, अब अल्फा स्क्वायर यूज कर लो, क्योंकि अल्फा स्क्वायर अगेन इधर तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा नहीं, अल्फा स्क्वायर जो भी आना इधर से आना है, और अल्फा स्क्वायर आएगा कैसे? अब ध्यान देखना, जैसे अभी तो मेरा अल्फा क्यूब जनरेट करने के लिए दो ही टर्म्स आए थे, अल्फा स्क्वायर जब तुम 7 लिखोगे, 7 इज इक्वल टू, तब तीन टर्म्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे कैसे देखना, मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को करना है, इसका अल्फा स्क्वायर इसके कॉन्स्टेंट से, इसका अल्फा स्क्वायर इसके कॉन्स्टेंट से, ये दो तरीके हो गए, प्लस तीसरा तरीका इसका अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तब भी अल्फा स्क्वायर जनरेट होगा, समझ में आया, हेंस तीन टर्म्स आएंगे इधर, तो उससे क्या जाएगा मेरा इधर का कॉन्स्टेंट पार्ट आ जाएगा, फिर मैं सिमिलरली लीनियर पार्ट निकालूंगा। देखो लग रहा है ये मेथड लेंदी है, बट एक बार प्रैक्टिस होगी ना तुम्हारी, एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो यू कैन सी कि बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगा, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लिया, नहीं तो फटाक से मैं 2 बोलता इसको और इसको -4, क्लियर है? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब एक और तरीका से मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है, एक और तरीके से बता रहा हूं मैं, तो वो भी थोड़ा अच्छा तरीका है बट थोड़ा सा लेंदी होगा, सबसे बेस्ट तो यही है जो मैंने बताया, कोशेंट वाला, कोशेंट इज कोशेंट इनटू डिवाइजर इज इक्वल प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको कॉपी करो, देखना मैंने क्या बोला, अब मैं जो चाहिए मैं उतना ही रख रहा हूं, बस इतना पार्ट रख रहा हूं, मैंने बोला कि मुझे ये वाला एक्सप्रेशन जो था मेथड 3, अब दिस इज अवर मेथड 3, क्या बोला मैंने देखो, क्या करते हम इस एक्सप्रेशन को ना रिड्यूस करना है हमें अल्फा में, तो क्या किया हमने इधर से फैक्ट यूज किया, ये चीज 0 है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर क्या है मेरा -3α -5, ठीक है? अच्छा अब मैं अल्फा की बार 4 को क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता 5 अल्फा क्यूब को लिख सकता हूं 5 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा स्क्वायर है प्लस 8 अल्फा -9, इससे कंप्लीट कर लेते हैं, चलो एक काम करते इससे कंप्लीट करते हैं पूरा, अल्फा स्क्वायर किया ये तुम रख दो इस पूरे जहां जहां अल्फा स्क्वायर है, तो जैसे क्या जाएगा -3α -5 इसका स्क्वायर प्लस 5 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इज -3α -5 प्लस 7 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इज -3α -5 प्लस 8α -9। अब इसको ओपन करते हैं, तो -3α का स्क्वायर माइनस का तो कोई यूज नहीं होगा, माइनस कॉमन लेके बाहर फेंक दो तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो 3α + 5 लिखा है, तो इधर से आया 9α² प्लस 25 प्लस 5 3 15 इंटू 2 30α। अब इधर से इधर आओ 5 3 15 तो -15α² -25α और इधर से आया 7 3 21 तो -21α -7 5 35 प्लस 8α -9। अच्छा 9α² -15α² कितना आएगा हमारा, 9 - 15 -6α² 30α -25α 5α 5 और 8 13 13 -21 -8α, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस 25 -35 -10 -10 -9 -19। अब दोबारा अल्फा स्क्वायर इस पर रिड्यूस करो, तो सीख पा रहे हो क्या हो रहा है, बेसिकली हमें डिग्री पॉलीनोमियल हाईएस्ट दे रखा है, हम जब भी अल्फा स्क्वायर को ये सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो अल्फा की पावर रिड्यूस होती जाएगी, रिड्यूस होते होते कहां तक लाना है लीनियर तक, एक बार रख के देख लेते हैं, वेरीफाई करते हैं आंसर करेक्ट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो पक्का कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, तो -6 × α² के ये रखा -3α -5 -8α -19 तो -6 × 3 = 18 तो 18 का -18 हो गया प्लस -18 अल्फा प्लस 6 5 = 30 -8α - 19। अब मैं इधर लिख रहा हूँ 18α - 8α 10α, करेक्ट आ गया, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, 10α और 30 - 19 + 11, वेरी गुड, तो यू कैन सी दोनों से आंसर सेम आ रहा है, तो विच एवर यू विल फील कंफर्टेबल यू डू विद दैट मैथड। हाँ देखो ये मैथड कब काम आएगा, देखो जनरली क्या होगा कि जब हमारे जो पावर्स है ना वो बहुत ज्यादा बड़े दिए हैं, जैसे 7 डिग्री पॉलिनोमियल 8 डिग्री, तब तो डिवीजर वाला मेथड काम ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर पॉलिनोमियल जो हमें एक्सप्रेशन जिसको रिड्यूस करना है लीनियर में वो अगर 3 डिग्री है मैक्सिमम 4 डिग्री है तब ये मेथड भी मतलब आसान पड़ सकता है, ठीक है? तो फिर आज के लिए इतना काफी है, अब हम आगे कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।